यहाँ से देखिए आज से हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का क्लास स्टार्ट हो गया, जिसमें हम एक एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमको लैपटॉप रिपेयरिंग करना है, कंप्यूटर रिपेयरिंग करना है, मीटर चलाना है, तो दोनों मीटर को चलाना सीखेंगे तभी तो हम कंप्यूटर और लैपटॉप बना पाएंगे। इसलिए आप लोग जिनको अगर कंप्यूटर बनाना सीखना है, लैपटॉप बनाना सीखना है, तो सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीखेंगे, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीखने के बाद मीटर चलाना सीखेंगे। मीटर चलाने सीखने के बाद तुरंत आप क्या बना लेंगे, कंप्यूटर भी लैपटॉप भी रिपेयरिंग कर लेंगे, और आप लोग कंप्यूटर भी रिपेयरिंग करना सीख लेंगे। तो आज से स्टार्ट हमारा क्लास स्टार्ट होगा। आज से हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। किसके बारे में? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। अब बात आती है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के अंदर क्या पढ़ेंगे। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि जो भी कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, चार्जर हो, एसी हो, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। सब कौन डिवाइस होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो एसी लेते हैं लेकिन डीसी पे कार्य करते हैं, डीसी पे वर्क करते हैं। किस पे काम करते हैं? डीसी पे। तो डीसी पे काम करेंगे तो डीसी पे कार्य कराने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? कंपोनेंट्स लगते हैं। कंपोनेंट मतलब पार्ट्स लगे होते हैं उसके, ठीक है। तो उसी कंपोनेंट के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में जानकारी करेंगे कि कंपोनेंट क्या है, उसका क्या नाम है, उसकी क्या चेकिंग है, उसका क्या वर्किंग है, वो क्यों लगा है, वो ख़राब हो जाएगा तो क्या फॉल्ट होगा, अगर वो ख़राब नहीं रहेगा तो क्या दिक्कत आएगी। तो इसी सारी चीज़ों की नॉलेज जो हम लोग लेते हैं उसी को हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। एक बार और समझा दें कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक वो कोर्स होता है जिसमें कंप्यूटर, एसी, मोबाइल में लगने वाले सभी कंपोनेंटों की जानकारी जिसमें लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? बेसिक। कि इसका क्या नाम है, इस कंपोनेंट का क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है कि नहीं, इसका क्या नाम है, कैसे चेक करते हैं। तो इसके लिए हम एक एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ लिस्ट देते हैं, लिस्ट नेम ऑफ बेसिक कंपोनेंट। बेसिक कंपोनेंटों का कुछ नाम बनाते हैं जिससे मिलकर एक हमारा पार्ट्स तैयार होता है। वो भी कौन पार्ट्स तैयार होता है? इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक। कौन होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। जिसमें सबसे पहला नंबर जो ज़्यादा यूज होता है इसका नाम होता है रजिस्टर। रजिस्टर को ही रजिस्टेंस कहते हैं। जैसे आप लोग ये देखिए, ये रजिस्टर है, ये देखिए इस पर अलग अलग कलर हैं। तो इस कलर का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू हम निकालना बताएंगे, कल से एक एक के बारे में पढ़ेंगे। इसी को हम रजिस्टेंस कहते हैं, जो करेंट कहते हैं एक एक बारे। पहला पॉइंट हो गया रजिस्टर। दूसरा होता है, इसका नाम होता है कैपेसिटर। इसी को बोलते हैं कैपेसिटर। इसी को कंडेंसर भी लोग कह देते हैं, या पोलराइज कैपेसिटर कहते हैं, जैसे ये है कैपेसिटर। तो देखिए ये कैपेसिटर में अलग अलग होता है, एक छोटा भी साइज में हो सकता है, सबका मतलब होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें दो चीज़ ध्यान दिया रहता है। पहला वोल्टेज 50 वोल्ट, कितना 450 वोल्ट है, कितना माइक्रोफैरेड का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिखा है 470 माइक्रोफैरेड, 200 वोल्ट, ये सब कैपेसिटर हैं। एक एक के बारे में पढ़ेंगे। इसी को कंडेंसर, इसमें प्लस माइनस होती है। जैसे ये देखिए, जिधर कोई चिन्ह नहीं दिया है प्लस है, जिधर ये माइनस कह दिया है माइनस है। जैसे इसमें देखिए, इसमें माइनस है, ये आपका माइनस है, ठीक है। ये भी आपका कैपेसिटर है, लेकिन इसको नॉन पोलराइज कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। नॉन पोलराइज कैपेसिटर के बारे में देखेंगे, इसमें बताएंगे प्लस माइनस नहीं होता है। इसका क्या है, इसका भी नाम कैपेसिटर है। ये कहाँ यूज हो रहा है, आप लोग ने बहुत जगह यूज देखा होगा, लेकिन इसकी वर्किंग, इसका चेकिंग, इसका क्या काम है, सब नहीं जानते हो आपको, तो मैं सब बताऊँगा आप लोग। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में कैपेसिटर समझ में आ गया, चलिए इनको बंद कर देते हैं। दूसरा, तीसरा जो नाम है, देखिए ये भी कैपेसिटर है। कहाँ गया ये देखिए, ये भी कैपेसिटर है। तो लैपटॉप में देखिए प्लस है, ये माइनस है, कैपेसिटर है, ये भी आपका कैपेसिटर है। तो अलग अलग जगहों पे अलग होती है, इसकी क्या चेकिंग होती है हम बताएंगे। तीसरा नंबर आइए, हम देखते हैं क्वाइल।
ये है क्वाइल। ये देखिए ये क्वाइल होता है, इसका नाम क्वाइल है, ठीक है। ये देखिए ये भी क्वाइल ही है, देखिए इसका भी नाम क्वाइल ही है, इसका भी नाम क्वाइल ही है, इसका भी नाम क्वाइल ही है। तो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग क्वाइल होते हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना, क्वाइल और इसमें नहीं है। ये क्वाइल की क्या चेकिंग होती है, कैसे जानेंगे यहाँ क्वाइल ही लगेगा, तो आगे चल के बताएंगे वहाँ पे डिनोटिंग लेटर क्या होती है, क्या पहचान होगी। आगे चल के बताएंगे जहाँ रजिस्टर लगा रहेगा वहाँ पे आर लिखा होगा, जहाँ कैपेसिटर होगा सी लिखा रहेगा, जहाँ क्वाइल होगा एल लिखा, और भी आगे हम बताएंगे डिटेल। चौथा नंबर हम समझते हैं ट्रांसफार्मर कहाँ है, ये कहाँ गया ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कहाँ रखे बालक, वो प्लेट में है ट्रांसफार्मर। चलिए भी ट्रांसफार्मर दिखाने लाओ, उसमें है बोर्ड में, उसमें अगला देखिए पांचवा नंबर हम देखेंगे डायोड, उस बड़े वाले डब्बे में ले जाओ डायोड। तो डायोड कहाँ है ये देखिए सर, उसमें चश्मे वाले, चश्मे वाले देखिए डायोड, देखिए दो डायोड, दो किस्म का है डायोड, हाँ ले रहे हैं देखिए डायोड, देख लीजिए डायोड वहाँ नहीं था, यहाँ पे देख रहे हैं डायोड, ये भी डायोड, ये भी डायोड है ना, ये भी डायोड, इसको ब्रिज डायोड बनाए हैं डायोड, देखिए ये डायोड है, ये जीना डायोड है, ये आपका नॉर्मल डायोड है ना, शॉट के डायोड भी होते हैं है ना। तो ये डायोड आप लोगों ने देख लिया, देखिए ट्रांसफार्मर आ गया यहाँ पे, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये क्वाइल का ये ट्रांसफार्मर ही है, लेकिन क्वाइल के रूप में लगाया गया है, ये ट्रांसफार्मर है। और डायोड आप लोगों ने देख लिया, ये डायोड होता है जिसमें एक प्लस होता है एक माइनस, इसे एनोड कहते हैं, इसे कैथोड, इसको डीपली हम लोग पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। डायोड के बाद आइए सिक्स नंबर पे होता है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर कहाँ है देख लीजिए आप लोग, ट्रांजिस्टर या इसी को हम मॉस्फेट भी इसी के रूप में होता है ना। तो ये देखिए ये ट्रांजिस्टर मॉस्फेट 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 मॉस्फेट, ठीक ना, कहीं पे यहीं पे तीन तीन लेकर ट्रांजिस्टर भी होगा, इसको हम ट्रांजिस्टर भी बोलेंगे, ठीक है ट्रांजिस्टर। उसके बाद ये तीन लेकर देख रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर देखिए तीन तीन लेकर देख रहे हैं, तीन तीन लेकर ये ट्रांजिस्टर, इसमें बताएंगे गेट ड्रेन सोर्स, इसी का नाम होता है बेस कलेक्टर इमीटर, यही जब ट्रांजिस्टर अलग हो जाएगा बड़ी हो जाएगी तो उसमें गेट ड्रेन सोर्स के नाम मॉस्फेट के नाम से हो जाएगा, ये छोटा रहेगा इसमें बेस कलेक्टर इमीटर होगा, ये ट्रांजिस्टर होता है, तीन लेग क्या होता है देख लीजिए आप लोग तीनों के बारे में। ट्रांजिस्टर के बाद जो जब सबसे ज़्यादा यूज होता है आईसी चिप, जैसे आप लोग देखिए ये आईसी है, देखिए बेस टाइप आईसी है ना लगाने वाली, ये आईसी, ये आईसी हैं, ये आईसी हैं, ये देखिए यही आपका ट्रांजिस्टर अभी जो बताए थे, ये देखिए बेस टाइप आईसी होती है, इस तरह लगी होती है, इस पर से अलग से आईसी ला के इस पर लगाया जाता है, बेस टाइप आईसी होती है, जैसे यहाँ देखिए ये आईसी है ना, जैसे रूम चिप आईसी है, साउंड आईसी है ना, ये आपका इधर आईसी दिया है देख रहे हैं ना, ये सब अलग अलग आईसी हैं, मदरबोर्ड पे देखिए आपका दिया है आईसी आईसी है ना, इधर देखिए आपको ये आपको दिया है ना, ये भी आपका आईसी है, समझ में आ रहा है, हाँ ये सब आईसी पहचान लेंगे। आईसी के बाद चिप के बाद कुछ आपके आठ नंबर पे लगते हैं स्विच, जो अलग अलग स्विच होते हैं, ऑन ऑफ स्विच, जैसे ये देखिए ये ऑन ऑफ स्विच है ना, ये भी स्विच होते हैं है ना, कोई दिक्कत सर, छोटा कौन, एक छोटा होता है माइक्रो स्विच होता है ये वाला है ना, पुश स्विच होता है अलग अलग ऑन करने के लिए स्विच हो, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अगला कंपोनेंट एलईडी, जो लाइट वो दिखाने के लिए चार्जरों में, ये देखिए एलईडी है ठीक ना, जैसे चार्जरों में होता है, चार्जर में ये देखिए चार्जर में जब निकलता है तो चार्जिंग में देता है एलईडी, देख रहे हैं ये एलईडी हो गया। इसके बाद जैसे फ्यूज होता है, जैसे देखिए फ्यूज देख रहे हैं, फ्यूज होते हैं अलग अलग फ्यूज यूज होते हैं, क्या करने के लिए होता है, इसका सबका वर्किंग बताएंगे, फ्यूज हो गया। इसके बाद पावर सप्लाई यूज होता है, पावर सप्लाई जैसे कंप्यूटर का पावर सप्लाई भी यूज होता है, जैसे SMPS ये देखिए, इसको पावर सप्लाई कंप्यूटर का होता है, जो AC लेता है और DC लेता है, तभी ना ये DC करंट देगा तो मदरबोर्ड पे लगेगा है कि नहीं,
और इस पे लगेगा, यहाँ से करेंगे इसमें हम लोग देंगे तो पूरा कंपोनेंट के बारे में इस पे लगाया जाता है। तो ये सब एसी लेगा, लेकिन यहाँ पे करंट मदरबोर्ड पे क्या जाएगा, डीसी। ये एसी को डीसी में बदलने वाला एक पावर सप्लाई यूज होगा। लैपटॉप में देखते होंगे चार्जर यूज होता है, ठीक है। अगला जो कंपोनेंट होता है, ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे अपने एक एक के बारे में हमने देखा। फिर हीट सिंक लगे होते हैं, है ना, एक फैन लगे होते हैं, इसका नाम है फैन। कुछ इस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के अंदर स्पेशल कंपोनेंट आते हैं, जैसे हीट सिंक, फैन, कूलिंग फैन, बहुत सारे आगे होंगे, आगे बताए जाएंगे। और तीन डिजिटल कंपोनेंट लगते हैं, जिसका नाम होता है गेट। गेट के अंदर पहला होता है एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट। ये आगे हम बताएंगे जो आईसी के अंदर होते हैं। सेंसर लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं, सेंसर के लिए यूज किए जाते हैं। फिर इसमें रिले लगा होता है, रिले हम पढ़ाएंगे रिले क्या होता है ना। उसके बाद ये देखिए स्पेशल, अब मैं आपके कंपोनेंट में ये स्पीकर हो गया, ठीक है, ये हीट सिंक हो गया, ठंडा करने के लिए होता है। जैसे क्या होता है कि एसी में ज़्यादा गर्म होता है तो नीचे हीट सिंक लगाया जाता है। ये आपका कनेक्टर है, कनेक्टर भी लगाया जाता है, एक कंपोनेंट में आता है, एक कनेक्टर है, ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर है, समझ रहे हैं, ये कनेक्टर कैसे होगा, है ना। और इसके लिए कनेक्टर के बाद और कोई कंपोनेंट, ये आपका फैन है, फैन को कैसे बनाए, इसके अंदर मोटर भी लगा होता है, मोटर को भी रिपेयरिंग करना सीखेंगे कि मोटर कैसे होता है, ठीक है। इसको वायर कहते हैं, केबल कहते हैं, है ना। लेकिन सारी कंपोनेंटों को चेक करने के लिए हमारे लिए एक डायग्राम होता है, डायग्राम हम आगे पढ़ाएंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किट है पूरा एसी का, कैसे इसको बनाना है डायग्राम हम बताएंगे। इसके बाद देखिए सबकी जो चेकिंग करने के लिए दो प्रकार के मीटर आती हैं, दोनों मीटर के द्वारा हम चेक करेंगे। जैसे ये देखिए आपका डिजिटल मल्टीमीटर है, क्या है, डिजिटल मल्टीमीटर है। हम बताएंगे किस वैल्यू पे कहाँ पे रजिस्टर चेक होगा, ठीक है। ये रजिस्टर के लिए होता है, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। यहाँ पे एसी करंट कहाँ पे चेक होगा, तो ये डीसी करंट के लिए है, हम आगे पढ़ाएंगे कैसे पहचानेंगे डीसी कैसे होता है। ये आपको एसी चेक करने के लिए होता है, आगे हम बताएंगे एसी कौन कहाँ पे कितना वोल्ट आएगा चेक करेंगे। ये प्रोब बोलते हैं, इसको डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं, जो जितना वोल्ट आएगा। जैसे मान लीजिए हमको एसी चेक करना है 750 है, तो यहाँ पे इस मीटर के द्वारा ही हम चेक कर लेंगे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, देखिए करंट आ रहा है कि नहीं, 750 पर किए, देखिए 240 वोल्ट आ रहा है। तो इस मीटर के द्वारा ही हम चेक करते हैं, इसका नाम है डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है। दूसरा मल्टीमीटर ये है जो सुई वाला होता है, जिसे एनालॉग मल्टीमीटर कहते हैं, इसमें भी वही काम होता है। तो दोनों मीटर रहना हमारे पास ज़रूरी होता है। और जो भी कंपोनेंट को निकालना होगा, इसके लिए हमारे पास सोल्डर होगा। ये देखिए सब कंपोनेंट के अंदर ही आएंगे, जो कंपोनेंट को निकालने के लिए यूज होंगे, इसका नाम है सोल्डर होता है ना। और इसके लिए हमारे पास कूलिंग पेस्ट होता है। ये आपके टोटल कंपोनेंट हुए, सभी कंपोनेंट जितने हैं, देखिए यही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। जैसे मदरबोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक है, जिसमें जितनी कंपोनेंट लगी है, सभी कंपोनेंट के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे आपका एक कैपेसिटर है, ये आईसी है, ये ट्रांजिस्टर है ना, ये सीमोस बैटरी है ना, कनेक्टर है, क्वायल है, ट्रांजिस्टर है, मॉस्फेट बोलते हैं इसको, मॉस्फेट भी बोल सकते हैं। ट्रांजिस्टर अगर तीन लेक अलग रहेगा तो उसका नाम ट्रांजिस्टर हो जाएगा। क्वायल है ना, कनेक्टर है, समझ लेते हैं कि आईसीज हैं, ये पोर्ट्स हैं। तो सभी ये पोर्ट्स, ये सब हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं। एक एक कंपोनेंट के बारे में कल से हम लोग सीखेंगे, ठीक है।